वैसे ही पवित्र होती है जैसे एक सन्यासी पवित्र होता है, ऐसे वो पवित्र होती है। तो अपने पति में अनुराग रखना ये दुर्गति का कारण नहीं है, ये सदगति का कारण है। बस और भाव सुधार लीजिए कि पति में परम पति का भाव कर लीजिए कि अगर हमारे प्रभु श्री कृष्ण इसके हृदय में ना हो तो ये शरीर न चलेगा, न फिरेगा, न बोलने लायक, न देखने लायक। तो इसका मतलब हमारा जो प्यार है वो प्रभु ही स्वयं बाजारों में मार कूड़े खाल खींची जा रही, तो भगवान से प्रश्न थोड़ी किया कि हम आपका भजन करें, आपने ऐसा दंड क्यों दिलवाया, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। भगवान अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे यदि पति के द्वारा किए हुए कटु व्यवहार को भी अपने आराध्य के द्वारा, आराध्य देव के द्वारा किया हुआ विधान मान करके और सहकर वैसे ही सेवा में रहती है तो किसी को भी अधीन कर सकती है, उसमें इतनी सामर्थ्य है। महान अत्रि जी सदैव ध्यानस्थ रहते थे, अनुसुईया जी कुटिया में रहती थी, कभी ध्यान से उठे तो जल फूल फल सेवा में उपस्थित करते थे। एकमात्र वो भगवान का चिंतन और वो करती अपने पति का चिंतन, अत्रि मुनि का, मेरे भगवान मेरे पतिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा के लिए आए, उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए। तो अतिथि गृहस्थी में कोई पधारे तो पूज्य नहीं है, जिसका परिचय न हो बिना किसी निमंत्रण के अपने आप आ गया हो उसे अतिथि कहते हैं। तिथि निश्चित नहीं है, कोई परिचय नहीं है, और जिससे परिचय है निश्चित है आना उसे अभ्यागत कहते हैं। अभ्यागत का तो स्वागत करना ही चाहिए पर अतिथि से बहुत सावधान, वो भगवान का स्वरूप है, अगर अतिथि का अपमान हो गया तो फिर तुम्हारे पुण्य नष्ट कर देगा, वो विधान है ऐसा। कोई भिखारी कोई भी है राधे श्याम, अपनी सामर्थ्य नहीं तुम हाथ जोड़ के कह देंगे आपके देने लायक नहीं, पर हम अपमान नहीं करेंगे कि ऐसे। महात्मा के रूप में गए ब्रह्मा विष्णु महेश, अनुसुईया जी ने देखा कुटिया पे अतिथि पधारे, आदर किया बैठा ला, भगवान क्या सेवा करें उनका, हम तो दुग्ध पान करने आए हैं। ऋषियों के पास, किसी किसी ऋषि के पास गाय होती थी जो यज्ञ के लिए खीर आदि का हविष्य आदि का हवन करने के लिए सहयोग देती थी, तो उनका कुछ समय और ठहरिए, दुग्ध गाय का, मतलब गाय का नहीं आपका दुग्ध पीना चाहते हैं। तो कहा भगवान इसके लिए मुझे पतिदेव से अनुमति लेनी होगी, परीक्षा थी ना तत्काल। अब पति कोई बाहर तो बैठे नहीं, तो ध्यानस्थ समाधि में तत्काल ध्यान किया और कहा हे प्रभु आपके कुटिया में अतिथि पधारे और वो ऐसा वचन बोल रहे हैं, तो उत्तर समाधि से ही दिया कि इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, स्त्री के वक्षा स्थल का स्पर्श करने के दो अधिकारी, एक पति और एक पुत्र, पति मैं हुआ उन्हें पुत्र बना लो, कमंडल से जल लिया और भगवान है, और कहा मैं मन वचन कर्म से पातिव्रत धारण करते तुम छह छह महीने के बालक बन जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश छह छह महीने के बालक बन गए, गोद में दूध पिलाया, पालने में झुलाया। नारद जी ने बताया जा के लक्ष्मी जी ब्रह्माणी और भवानी को गए तुम्हारे पति झूलावे झूले छह छह महीने के बले हुए ताके प्राप्त। पति प्रेम कोई साधारण उपासना नहीं, पर उसको समझे पति के रूप में मेरे भगवान है और एक पातिव्रत धर्म, ये तो भगवत प्राप्ति कहे थे, इसमें कोई ऐसा निषेध नहीं कि पति का प्यार त्याग देना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। पति से अत्यंत प्यार करना चाहिए, उसके भाव में केवल भगवान रख लेना चाहिए कि मेरे प्रभु इस रूप में आए, बस काम बन गया। जब हम उनसे केवल मांस पिंड युक्त शरीर से राग करते हैं तो फिर काम नहीं बन पाता, अंदर जो चैतन्य घन प्रभु है उनसे हम प्यार कर ले, बहुत प्रशंसनीय बात है, बहुत प्रशंसनीय। अपने पति को भगवत मत स्वरूप मानकर उनको प्यार करना, आठों पैर उनकी सेवा के, अब वो आएंगे तो उनको क्या प्रिय लगता है, क्या पवाएंगे आज उनको, क्या हम कौन सा सुख प्रदान करें जिससे मेरे पतिदेव प्रसन्न, ये भगवत सेवा ही तो है, भावना केवल करनी। देखो किसी भी जीव में आप भगवत भाव करके सेवा करो, सीधे भगवान की सेवा हो रही। जब आप पाषाण में भगवत भावना कर सकते हैं, काष्ठ में कर सकते हैं, धातु में कर सकते हैं, तो चैतन्य घन में नहीं कर सकते। भावना कर लो मेरे प्रभु, फिर अन्य कोई जरूरत नहीं है, प्रभु वही विराजमान जहां भावना करते हैं।